हेलो गाइज, वेलकम टू रियल काफ एक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आई नो बहुत टाइम से इस चैनल में कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ पाई रही हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि हमने अपनी पंच को सेल कर दिया है। एंड पंच को सेल करने के बाद फाइनली अब जो कार हमने ली है ना, वो है न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। एंड ये जो वेरिएंट है ना, ये इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट है। अब ये वेरिएंट मैंने क्यों लिया, क्या रीजंस थे इसको पीछे लेने के, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा वॉक अराउंड वीडियो देना चाहता हूँ स्मार्ट प्लस वेरिएंट का, कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती है। ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है, स्मार्ट आता है, उसके बाद ये स्मार्ट प्लस है। तो इसमें जो चीज़ें आपको मिलती हैं, इसमें आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपको LED में ही DRL देखने को मिलते हैं। फ्रंट फेशिया अगर मैं बताऊं, सारे जितने भी इसके वेरिएंट आते हैं ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस आपको जो इसके अपर मॉडल्स होते हैं उसमें फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। एंड ये बेस वेरिएंट है तो इसमें फॉग लैम्प का नहीं मिलता, बट अच्छी चीज़ है कि आपको LED हेडलैम्प एंड LED DRL का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ आपको एक फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, एंड जो सेकेंड की है वो नॉर्मल आती है इसमें। एंड बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से कार ऑलमोस्ट पुरानी नेक्सॉन की आपको याद दिलाएगी। इस वेरिएंट में आपको व्हील कैप नहीं मिलते, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज का पार्ट है। बहुत सारी एक्सेसरीज में लगी हुई है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सेसरीज में ऐड ऑन है। एंड एक्सेसरीज ऐड ऑन के बाद आपको क्या क्या चेंजेस आते हैं इसकी कार की लुक में, वो सब आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपको इस वेरिएंट में जो OVM मिलते हैं वो अपडेटेड वाले मिल जाते हैं, ये आपको हैरियर वाले ही OVM इसमें देखने को मिलेंगे। एंड ये OVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, बट फोल्डेबल का ऑप्शन इसमें नहीं आता। इसके अलावा साइड प्रोफाइल से आपको और कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा अगर आप बोलोगे टॉप वेरिएंट। हाँ, एक चीज़ है, आपको डोर हैंडल जो है वो ये ब्लैक कलर में आपको मिलते हैं, मैट ब्लैक में ये दिए जाते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट साइड प्रोफाइल भी आपको जो इसके अपर मॉडल आता है उसके जैसा ही लगता है। रूफ रेल्स नहीं मिलती इसमें, इस वेरिएंट में आपको ये रूफ रेल्स भी एक्सेसरीज का पार्ट है। बात करूँ इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो ये जो आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प का सेटअप आप इसमें नहीं मिलता, टेल लैम्प दिए हुए कि जो कनेक्टिंग लाइट है ये आपको इसमें नहीं मिलती, आपको नॉर्मल ही लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। एंड इस वेरिएंट में आपको कैमरा भी नहीं मिलता, पीछे दो सेंसर ज़रूर मिलते हैं बट कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। ऑल्दो इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है हरमन का 7 इंच का, बट कैमरा मिसिंग है, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। कैमरा भी दे देना चाहिए था अगर इतना सब कुछ दे रहे हो तो। आप बात करता हूँ अब कार के इंटीरियर की, चल के देखते हैं इस कार का इंटीरियर। अभी वैसे मैं आपको बता दूं, इस कार में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई हैं इसमें। ऑल्दो अगर बात करें नेक्सॉन बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस की, तो बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला है स्मार्ट प्लस, तो इसमें आपको जो इंटीरियर मिलता है वो पूरा ब्लैक ही मिलता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराई गई हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस करवाए हैं। और बाकी अगर देखोगे तो पूरा ब्लैक इंटीरियर आपको मिलता है। एंड बात करूं कार में मिलने वाले फीचर की स्मार्ट प्लस में, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा इसमें 7 इंच का। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, पहले मैं आपको कार ऑन करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपका, इसमें आपको ये पुराना वाला ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बताया 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। मोड्स आपको बेस वेरिएंट से ही तीनों मोड्स देखने को मिलेंगे कार में। इसके अलावा मैनुअल जो पहले नेक्सॉन में AC आता था वही मिलता है। अगर आप प्योर वेरिएंट में जाते हैं वहाँ पे आपको टच स्क्रीन AC कंट्रोल देखने को मिलेंगे, बट इस वेरिएंट में आपको मैनुअल ही AC कंट्रोल दिए गए हैं, जो मुझे तो पर्सनली ऐसा कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इनफैक्ट टच से ज़्यादा इजी ऑपरेट करना ये मैनुअल ही लगता है। इसके अलावा ये हैंड रेस्ट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, ये बाहर से इंस्टॉल कराया गया है। एंड बात करूं आपको यहाँ पे 4 ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डे नाइट OVM इसमें मैनुअल नहीं मिलता है, ये भी आफ्टर मार्केट है, ये भी बाहर से इंस्टॉल कराया गया है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें इंटीरियर कुछ इस तरीके से आता है इस कार का। तो गाइस, आपको कैसा लगा इसका ये वेरिएंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर इस कार से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
बहुत जल्द इससे रिलेटेड और वीडियो चैनल पे आएंगी, एंड आप बने रहो इस चैनल पे, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।